प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ से वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2023-24 हेतु कक्षा 12वीं राजनीति शास्त्र विषय के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जरूर जाएं, क्योंकि आज मैं यहाँ से आप सभी को बोर्ड परीक्षा 2023-24 हेतु कक्षा 12वीं राजनीति शास्त्र विषय के सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करवाने वाला हूँ और उनके उत्तर भी देने वाला हूँ। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ से 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 4 अंक वाले ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि एमपी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिएगा, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी परीक्षाओं में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आप सभी को इनका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। सबसे पहले हम 2 अंक वाले क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हो 2 अंक वाले प्रश्न। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन ये होगा, 2 ध्रुवीयता क्या है? तो देखिएगा, 2 ध्रुवीयता का अर्थ है 2 महान शक्तियों का उद्भव, इसमें अमरीका तथा सोवियत संघ सम्मिलित है। तो देखिएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल ही सरल है ये। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा, देख सकते हो यहाँ पर, शॉक थेरेपी क्या है? तो देखिएगा, सोवियत संघ के पतन के बाद रूस पूर्वी यूरोप तथा मध्य एशिया के देशों में साम्यवादी से पूंजीवादी की ओर संक्रमण के लिए एक विशेष मॉडल अपनाया गया, जिसे शॉक थेरेपी आघात पहुँचाकर उपचार करना कहा गया। विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इस मॉडल को अपनाया गया। साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के लिए ये बेहतर तरीका नहीं था, क्योंकि पूंजीवादी सुधार तुरंत किए जाने की अपेक्षा धीरे धीरे किए जाने की एकदम से सभी प्रकार के परिवर्तन को जनता पर लादना, उन्हें आघात पहुँचाना उचित नहीं था। तो देखिएगा, इसका उत्तर है, आप सभी लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये, दक्षिण एशिया के 2 बड़े देशों के नाम लिखिए। तो देखिएगा, 2 देशों के नाम लिखने हैं, तो भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका को याद रखिए। और आप परीक्षाओं में 2 पूछे गए ना, तो 2 लिखकर आए। मैंने यहाँ पर आपको दक्षिण एशिया के सारे देशों के नाम बता दिए। और उसके बाद में साप्टा क्या है, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे। देखिएगा, पूरा का पूरा उत्तर लिखा है, साप्टा दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संयुक्त संगठन की मुक्त व्यापार व्यवस्था है। यह समझौता 2006 में लागू हुआ था, जिसमें 1993 में सार्क अधिमान व्यापार व्यवस्था सफल रही। साप्टा हस्ताक्षरकर्ता देश अफगानिस्तान। ये आप सभी लोग यहाँ से याद कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देख सकते हो ये रहा, निःशस्त्रीकरण किसे कहते हैं? तो देखिएगा, विश्व राजनीति में हथियारों की होड़ एक बड़ी समस्या रही है। प्रत्येक देश अपने हथियारों या शस्त्रों को बढ़ाने में लगा हुआ है, जिससे तनाव की स्थितियाँ निर्मित होती रहती है। सभी देश अपने शस्त्रों को कम करें, जिससे कि शांति की स्थापना हो सके, इसे ही निःशस्त्रीकरण कहा जाता है। तो यहाँ से आप लोग इसे याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? तो देखिए, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, ये पूरा का पूरा इसका उत्तर लिखा है, देख सकते हो यहाँ तक का। तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेंगे। और उसके बाद अगला क्वेश्चन ये लिखा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कब व किस दल की स्थापना की थी? वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अभी हम 2 अंक वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको जो मैं क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ ना, इसकी PDF डाउनलोड करना हो, तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो, वहाँ से आप इसकी PDF भी पा सकते हो। तो इसे आप लोग याद कर लें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना दिल्ली में की थी, और इसके ये पहले अध्यक्ष बने। आज भारतीय जनसंघ को भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद में दल बेदल क्या है, ये आपको बताना था। तो ये देखिएगा, एक दल को छोड़कर जब कोई नेता दूसरे दल में जाता है ना, तो उसे दल बदल कहते हैं। और अगला क्वेश्चन ये लिखा था, सोवियत संघ के विघटन से विश्व राजनीति में किस स्वरूप में क्या परिवर्तन आया? तो देखिएगा, इसके विघटन से विश्व राजनीति के स्वरूप में क्या परिवर्तन आया, यहाँ से देख लें। सोवियत संघ के विघटन से विश्व राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात विश्व राजनीति एक ध्रुवी से एक ध्रुवी हो गई, क्योंकि अब अमेरिका ही एक महाशक्ति रह गया था। तो यहाँ से आप लोग इसे याद कर लेंगे। अगला ये लिखा है, सार्क या अध्यक्ष के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो देखिएगा, सार्क या अध्यक्ष के 2 उद्देश्य क्या क्या है? आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना, सार्क सदस्यों के बीच मुक्त व्यापार नीति को अपनाना। तो यहाँ से आप लोग इसे देख लें। अगला ये लिखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई 3 अंगों के नाम लिखिए। तो देखिएगा, 6 अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ के, इन सभी के आप लोग नाम याद कर लें यहाँ से। अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण के 2 कारण लिखिए। तो देखिएगा, वैश्वीकरण के 2 कारण कौन कौन से हैं, यहाँ से आप सभी लोग देख लेंगे। ये पहला कारण और ये दूसरा कारण रहा, तो यहाँ से आप लोग देख लेंगे। और उसके बाद में अगला देखते हैं, ये लिखा है, शरणार्थी समस्या के 2 कारण लिखिए। तो देखिएगा, शरणार्थी समस्या के 2 कारण कौन कौन से हैं? शरणार्थी समस्या के कारण बड़े देशों की डेमोग्राफी को बदल दिया गया, इस तरह से लिख लो। और उसके बाद में, शरणार्थी समस्या के कारण गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी जैसी समस्या उत्पन्न हो गई। तो ये 2 कारण हैं शरणार्थी समस्याओं के। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, राष्ट्र निर्माण से क्या आशय है? तो यहाँ से आप लोग देख लेंगे, राष्ट्र निर्माण से आशय अपने राष्ट्र की शक्तियों का प्रयोग करते हुए भौगोलिक सीमा एक देश के निवासियों की आपसी
राष्ट्रीय एकता प्राचीन इतिहास एवं भाईचारे की भावना से है, सशक्त राष्ट्र के निर्माण से है, जो अपने सभी फैसले लेने में आत्मनिर्भर है। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग इसे याद कर लेंगे, वनों की कटाई से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव आपको बताने। तो देखिएगा वनों की कटाई से पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, यहाँ पर लिखे हैं सारे के सारे, आप लोग देख ले पहला और ये दूसरा ये रहा। उसके बाद अगला ये लिखा है सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखिए। सार्क के सदस्य देश कौन कौन से यहाँ से देख लें। अगला ये लिखा है वैश्वीकरण के दो कारण लिखिए। तो देखिएगा वैश्वीकरण के दो कारण, पहला ये लिखा है, दूसरा ये लिखा है। और उसके बाद में इधर आ जाते हैं तो अगला ये लिखा है, देख सकते हो ये वैश्वीकरण का क्या अर्थ है लिखिए। तो देखिएगा वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है, यहाँ से आप सभी लोग इसे देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ भी लेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद अगला ये लिखा है 1952 में प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें विजय प्राप्त हुई। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग देख लेंगे, ये इसका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद अगला ये लिखा है सिंडिकेट का अर्थ लिखिए। तो देखिएगा सिंडिकेट क्या है, सिंडिकेट कांग्रेसियों का एक अनौपचारिक संगठन था जिसमें वे कामराज इसके ये नेता शामिल थे। तो देखिएगा इसको पूरा आप लोग याद कर लेंगे। और उसके बाद में आगे लिखा कुछ हिस्सा ये दिया गया है, यहाँ से आप लोग इसे देख लें और पूरा का पूरा याद कर लें। और अगला क्वेश्चन ये लिखा है प्यारे विद्यार्थियों भारत नेपाल के मध्य कौन सी संधि है। तो देखिएगा ये पूरा का पूरा इसका उत्तर लिखा है, आप सभी लोग यहाँ से इसे याद कर लेंगे। हस्ताक्षर किए कौन से महाकाली संधि हुई थी भारत और नेपाल के बीच में, तो आप लोग इस जगह से इसको नाम इसको पूरा याद कर लेंगे। अब इसके बाद में अगला ये लिखा है, देख सकते हो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में क्या है। तो देखिएगा ये पूरा का पूरा उत्तर लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहाँ से इसे देख लेंगे और पूरा याद कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन ये लिखा है कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की। तो देखिएगा ये कांग्रेस की स्थापना कब की थी, कांग्रेस की स्थापना सर ए ओ ह्यूम ने कहाँ पर की थी। तो देखिएगा ये लिखा पूरा उत्तर मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। और उसके बाद अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो जनादेश क्या है। जनता जनादेश का अर्थ होता है जनता का आदेश, इसका सामान्यतः अर्थ मतदान के समय जनता द्वारा मत देकर किसी एक दल को सरकार चलाने के लिए योग्य बनाने से है। तो देखिएगा जनादेश क्या होता है ये मैंने पूरा बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन ये लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ कहाँ हुआ। तो देखिएगा इसको पूरा आप लोग याद कर लेंगे यहाँ से। और उसके बाद अगला ये लिखा है, ये सभी दो दो अंक वाले क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे। तो देखिएगा यहाँ से लिख लेंगे। और उसके बाद अगला ये लिखा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दो कार्य लिखिए। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दो कार्य कौन कौन से हैं यहाँ से आप लोग देख लें और इसको याद भी कर लेंगे पूरा। और अगला ये लिखा है, देख सकते हो मानव अधिकार आयोग के दो कार्य लिखिए। तो मानव अधिकार आयोग के दो कार्य कौन कौन से, पहला मानव अधिकारों के प्रति सम्मान और मानव अधिकारों की संस्कृति को बढ़ावा देना, मानव अधिकारों के पालन की निगरानी और मूल्यांकन करना तथा जरूरत पड़ने पर न्यायालय में सूचित करना, ये इसका उत्तर होगा। और उसके बाद आगे लिखा है तटस्थता का अर्थ लिखिए। तो देखिएगा तटस्थता का मतलब होता है दो गुटों में से किसी भी गुट का पक्ष नहीं लेना। तो वैसे आप लोग यहाँ से इसको लिख लें, जो राज्य किसी भी गुट में शामिल ना हो अर्थात किसी भी ओर से किसी भी नहीं लड़े अथवा युद्ध में भाग ना ले, ऐसी स्थिति को तटस्थता कहते हैं। और इसके बाद में वर्चस्व का अर्थ लिखिए। वर्चस्व किसे कहते हैं ये आपको बताना है, तो यहाँ से आप लोग देख लेंगे, ये पूरा का पूरा लिखा गया है। और अगला क्वेश्चन ये लिखा है परचेजिंग पावर पेरिटी का अर्थ लिखिए। देखिएगा परचेजिंग पावर पेरिटी क्या है, परचेजिंग पावर पेरिटी यानी कि क्रय शक्ति क्षमता। तो देखिएगा इसको क्या कहते हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय विनिमय का एक सिद्धांत है जिसके अनुसार एक समान वस्तु की कीमत विभिन्न देशों में समान रहती है। तो यहाँ से आप लोग लिख लेंगे इसको। और उसके बाद में देखिएगा एक क्वेश्चन लिखा है BWC और CWC क्या है। तो देखिएगा BWC का मतलब है बायोलॉजिकल वीपन कन्वेंशन। और उसके बाद में देखिएगा जैविक हथियार सम्मेलन एक निशस्त्रीकरण संधि है जो जैविक और विषैले हथियारों के विकास उत्पादन अधिग्रहण और हस्तांतरण भंडारण आदि पर रोक लगाने का काम करती है। तो BWC में जैविक हथियार संधि है ये। और CWC क्या है, देखिएगा CWC का मतलब है केमिकल वीपन्स कन्वेंशन। देखिएगा बी से याद रखें बायोलॉजिकल, सी से याद रखें केमिकल। तो इतना सा अगर आप समझ लोगे तो इसका उत्तर आप दे पाओगे। और अगला क्वेश्चन ये है, आप लोग ये इसको याद कर लें, BWC CWC का उत्तर है ये। और WSF ये आप लोग ढूंढ लें, WSF तो ये मिल नहीं पाया मुझे, आपको अगर मिल जाए तो कमेंट कर दीजिएगा इसका उत्तर, मैं पिन कर दूंगा तो बाकी बच्चे भी इसे नोट कर लेंगे। अगला लिखा है 1957 के केरल राज्य के विधानसभा चुनाव में किन राजनीतिक दलों को सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त हुई। तो देखिएगा ये पूरा का पूरा उत्तर लिखा है। और RTI सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है, तो देखिएगा इसको कहते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, यहाँ से देख लें आप सभी लोग, ये पूरा का पूरा इसका उत्तर लिखा है। यहाँ तक आप लोग देख लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। और उसके बाद में अगला देखते हैं, ये लिखा है NFE का पूरा नाम लिखिए, नॉन फॉर्मल एजुकेशन इसे कहते हैं। तो यहाँ से लिख लेंगे अनौपचारिक शिक्षा।
तो देखिएगा यहाँ से आप लोग इसको लिख लें। अगला लिखा है ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, तो देखिएगा ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था यहाँ से देख लेंगे। तो देखिएगा ये इसको पूरा का पूरा याद कर लें आप लोग कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था और कौन शुरू किया गया था इसको, तो यहाँ से आप लोग देख लें। और अगला ये लिखा है पूर्वोत्तर राज्य भारत के कौन से राज्यों को सात बहनों के नाम से जाना जाता है, तो देखिएगा यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे पूरा। और आगे ये लिखे हैं देखिएगा मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सात बहनों के नाम से इनको जाना जाता है, ये याद रखिएगा बिल्कुल आपसे पेपर में पूछा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, तो इसे याद कर लें आप सभी लोग। अगला ये लिखा है भारत के प्रथम विधि तथा शिक्षा मंत्री कौन थे, तो देखिएगा भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर अंबेडकर थे और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, तो यहाँ से आप लोग इसे नोट कर ले पूरा। अगला लिखा है भारत के वर्तमान विधि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल है, तो ये आपको याद रखना है। और उसके बाद में अगला ये लिखा है यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, तो देखिएगा यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, आप लोग इसे याद रखें। अब हम देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों तीन अंक वाले क्वेश्चन, देख सकते हो यहाँ से तीन अंक वाले क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाएंगे, तो यहाँ से देख ले सोवियत प्रणाली क्या थी लिखी है, तो देखिएगा सोवियत प्रणाली क्या थी ये पूरा का पूरा इसका उत्तर लिखा है प्यारे विद्यार्थियों। अब मैं आपको बोलकर नहीं समझा रहा हूँ, मैं केवल प्रश्न पढ़ूंगा और ये बिल्कुल ही सरल भाषा में बनाए गए क्वेश्चन आंसर है, तो ये आसानी से आपको समझ में भी आ जाएंगे, आपको ज़्यादा मेहनत इसमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो आप लोग यहाँ से इसे याद कर लें। और अगला ये लिखा है शॉक थेरेपी के किन्हीं तीन परिणामों को लिखिए, तो देखिएगा शॉक थेरेपी के क्या क्या परिणाम होते हैं, असमानता में वृद्धि होती है, उसके बाद में गरीबी का प्रसार होता है, यहाँ से लिख लें आप सभी लोग। और उसके बाद में आप इधर आ जाओ तो यहाँ से इसको देख लें, ये लिखा है पूरा यहाँ तक का। उसके बाद में रूसी मुद्रा में गिरावट, तो देखिएगा। और उसके बाद में देखिएगा क्या था शॉक थेरेपी के तीन को परिणाम आपको बताने थे, तो ये तीनों परिणाम बता दिए हमने। अब इसके बाद में यहाँ से देखिएगा ये आसियान विजन 20 के तीन उद्देश्य लिखिए, तो देखिएगा आसियान विजन 2020 के क्या क्या उद्देश्य, पहला उद्देश्य ये लिखा, दूसरा ये लिखा, तीसरा ये लिखा है, तो आप लोग इस प्रकार से इसको नोट कर लें। और उसके बाद में देखिएगा ये रहा एक और तीन अंक वाला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ की कौन सी विशेषताएँ उसे एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है, तो देखिएगा पहली विशेषता क्या है एक समान राजनीतिक स्वरूप, दूसरी है सहयोग की नीति, और तीसरी क्या होगी आर्थिक प्रभाव और शक्ति, आप चाहे तो एक साथ में ऐसे नोट कर सकते हो इसको। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये लिखा है हरित क्रांति किसे कहते हैं, तो देखिएगा 1960 के दशक में, और इसके बाद में पूरा का पूरा यहाँ से लिख लेना आपको, ये हरित क्रांति के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है, तो पूरा आप लोग नोट कर लें यहाँ से। अगला लिखा देख सकते हो ये सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए, तो देखिएगा पहला विघटन का परिणाम ये हुआ, दूसरा ये हुआ और तीसरा ये हुआ, यहाँ से आप लोग नोट कर लें। और उसके बाद में अगला इधर देखते हैं, ये लिखा है आसियान को समझाइए, आसियान क्या होता है, दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्र को एशियन अथवा आसियान का कहा जाता है, 8 अगस्त 1967 को दक्षिण पूर्वी एशिया के 5 देशों ने इसको बनाया था, तो आप पूरा इसको लिख लें। अभी इसमें 10 सदस्य देश हैं, तो यहाँ से आप लोग इसको पूरा लिख लेंगे और याद भी कर लें इसको। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है क्षेत्रीय संगठन बनाने के तीन उद्देश्य क्या है, तो देखिएगा यहाँ से आप लोग लिख लें, पहला उद्देश्य ये लिखा, दूसरा ये लिखा है, अब इसके बाद में बाकी के उद्देश्य ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन ये लिखा है योजना आयोग को समझाइए, योजना आयोग क्या होता है, पूरा का पूरा यहाँ तक का देख लेंगे आप सभी लोग, ये योजना आयोग को मैंने यहाँ से आपको अच्छे से समझाया है। और उसके बाद में अगला ये लिखा है नक्सलवादी आंदोलन क्या है, तो देखिएगा नक्सलवादी आंदोलन क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है, देख सकते हो आप लोग यहाँ से। और आगे इसका उत्तर लिखा ये यहाँ तक का नोट कर ले आप सभी लोग। और अगला ये लिखा है भारत चीन संबंधों में मतभेद के कोई तीन कारण लिखिए, क्या क्या कारण है, पहला कारण है सीमा विवाद, और दूसरा कारण है मेकमोहन रेखा, और तीसरा कारण क्या होगा भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण, तो देखिएगा यही तीन कारण है बड़े जो भारत और चीन के बीच में विवाद के कारण हैं, चीन द्वारा बस्तियों बनाने का फैसला ये भी एक बड़ा कारण है। और उसके बाद में देखिएगा ये क्वेश्चन रहा यूरोपीय संघ के मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिएगा यूरोपीय संघ का पहला उद्देश्य ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, यहाँ से आप सभी लोग इनको देख लेंगे, और पांचवा उद्देश्य ये लिखा है। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, छठा उद्देश्य ये लिखा है, यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ से देख लें सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्य लिखिए, क्या क्या कार्य है, अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रयास करना और शांति भंग की परिस्थिति को टालना, और उसके बाद में झगड़ों की छानबीन एवं जांच पड़ताल करना, ये बड़े कारण हैं, तो यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे इनको। और आगे लिखा है कार्य योजना को बनाना, तो इस प्रकार से आप सभी लोग नोट कर लें इसको। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं तो ये लिख लें, और ये क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य लिखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है, ये पूरे के पूरे उद्देश्य लिखे हैं, पहला ये लिखा है, दूसरा ये लिखा है, तीसरा ये लिखा है, और चौथा उद्देश्य दिया गया है, पाँचवा ये लिखा है, तो आप सभी लोग यहाँ से इन उद्देश्यों को देख लेंगे।
अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाते हैं तो ये लिखा है मानव अधिकार पर लेख लिखिए। मानव अधिकार पर लेख इस प्रकार से लिख लें, आप सभी लोग यहाँ से देख लें इसे और पूरा का पूरा समझ भी लेंगे। अब इसके बाद में अगला यहाँ से देख लें, पर्यावरण संरक्षण के प्रमुख सुझाव दीजिए। पहला जैव विविधता को बनाए रखना, और उसके बाद में वृक्षारोपण कार्यक्रम, और उसके बाद में आप इधर आ जाइएगा तो ये लिखा है बड़ी बांध परियोजनाएं, और उसके बाद में यहाँ से इनको देख लें समग्र परमाणु प्रशिक्षण संधि प्रतिबंध संधि के प्रमुख प्रावधान लिखिए। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग इन प्रावधानों को नोट कर लें, पहला ये लिखा है, दूसरा ये लिखा है, तीसरा ये लिखा है, चौथा ये लिखा है। अब उसके बाद में आप इधर आ जाते हैं, यहाँ से देख लें क्वेश्चन को, बॉम्बे प्लान क्या था लिखिए। तो देखिएगा बॉम्बे प्लान क्या था, ये पूरा का पूरा इसका उत्तर दिया गया है, आप सभी यहाँ से इसको पूरा नोट कर लेंगे कि बॉम्बे प्लान क्या था। अब इसके बाद अगला ये लिखा है, आपातकाल के दौरान गठित सा जांच आयोग के क्या निष्कर्ष थे लिखिए। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग इसे निकले पूरा का पूरा और समझ ले इसको, और उसके बाद में देखिएगा आगे पॉइंट्स दिए गए हैं, आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। और उसके बाद में अगला लिखा है, नेपाल की जनता अपने देश में लोकतंत्र बहाल करने में कैसे सफल हुई। तो देखिएगा पूरा का पूरा उत्तर लिखा है, यहाँ तक का आप लोग देख लेंगे और पूरा समझ लेंगे। और आगे लिखा है तो आप सभी लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा यहाँ से। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से शुरुआत होती है आपके चार अंक वाले प्रश्नों की। तो ये चार अंक वाले प्रश्न हैं सभी के सभी, आप लोग यहाँ से इनको नोट कर लें। पहला ये लिखा है, श्रीलंका के जाति संघर्ष का परीक्षण कीजिए। और उसके बाद में अगला ये लिखा है, देख सकते हो, गुटनिरपेक्षता आंदोलन की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। इसे आप लोग नोट कर लें पूरा, चाहे तो आप लोग वीडियो को रोक रोक के भी इनको नोट कर सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, अभी मैं आपको केवल प्रश्नोत्तर बता रहा हूँ, इनको समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि समझाने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। मैं कोशिश करूँगा अलग कि एक वीडियो में आपको दो नंबर वाले क्वेश्चन समझा दूँ, फिर दूसरे में आपको तीन वाले समझा दूँ, या फिर चौथे में आपको अगले चार नंबर वाले क्वेश्चन समझा दूँ। तो इस प्रकार मैं आपको अलग अलग वीडियो में इन क्वेश्चंस को समझा दूंगा, मगर आप पहले इनको लिख लें। चाहे तो आप ऐसी कॉपी, जिस कॉपी में मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक ऐसा कोई रफ रजिस्टर हो या कोई कॉपी हो, उसमें आप वीडियो को चला चला कर रोक रोक कर लिख लें और पूरी की पूरी ऐसी एक नोटबुक तैयार कर लें, क्योंकि ये आपकी परीक्षाओं के समय बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। क्योंकि परीक्षाओं में ऐसा होगा कि आप वीडियो तो कहीं खो जाएगा, आपको मिल नहीं पाएगा, अगर आपके पास में लिखा हुआ होगा तो उसको आप रिविजन बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो इसलिए आप लोग इनको कहीं पर लिख कर जरूर रख लें। ये लिखा है 1947 में भारत के विभाजन है तो कौन से कारणों को आप उत्तरदायी मानते हैं। तो इन कारणों को आप लोग नोट कर लेंगे, मुस्लिमों की सांप्रदायिक भावना, और इसके बाद में मुस्लिम लीग के प्रति कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति, और उसके बाद में इधर आ जाते हैं, देखिएगा ये लिखा है, अंग्रेजों की फूट डालो राजकरों की नीति, और उसके बाद में ये लिखा है सांप्रदायिक दंगे, और उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। तो देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से हैं, तो देखिएगा उनमें से एक किसी को समझाना था, तो ये सारे अंग है, उसमें से सचिवालय को हमने समझा दिया यहाँ पर। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये लिखा है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुधार का अर्थ लिखिए, सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव इसका सत्यापन कीजिए। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका उत्तर देख लें, ये पूरा का पूरा उत्तर लिखा है इसका यहाँ तक का, और इसके बाद में ये लिखा है, तो आप पूरे से उत्तर को नोट कर लेंगे यहाँ तक का। और उसके बाद में देखिएगा ये लिखा है, महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैनिक गठबंधन क्यों रखती थी, तीन कारण बताइए। तो देखिएगा पहला कारण है भू क्षेत्र, दूसरा कारण है महत्वपूर्ण संसाधनों को प्राप्त करना, और उसके बाद में इधर देख लें आप लोग जासूसी केंद्र, ये बड़े कारण हैं। और उसके बाद में राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ क्या क्या है, एकता के सूत्र में बांधना पहली चुनौती, लोकतंत्र की स्थापना करना दूसरी चुनौती, और उसके बाद में देखिएगा इधर आप लोग यहाँ से इनको नोट कर लेंगे, समाजमूलक विकास करना तीसरी चुनौती, और रजवाड़ों के विलेख की समस्या तो ये भी एक चुनौती थी। तो ऐसे आप लोग इसको नोट कर लेंगे पूरा, और उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर ये दिया गया, आप लोग नोट कर लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ये लिखा है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिएगा पहला भारत की परमाणु नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी, जो कि ये यहाँ पर दी गई है, आप पूरी की पूरी नोट कर लें। और देखिएगा दूसरी ये लिखी है, भारत की वर्तमान विदेश नीति पर टिप्पणी, आप लोग यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा यहाँ तक का नोट कर लेंगे इसे। तो देखिएगा ये मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, किसी राष्ट्र का राजनीतिक नेतृत्व किस तरह उस राष्ट्र की विदेश नीति पर असर डालता समझाइए। तो यहाँ तक का पूरा नोट कर लें और पूरा देख लें इसे, ये पूरा का पूरा मैंने बता दिया प्यारे विद्यार्थियों आपको। अब इसके बाद में आप आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा ये लिखा है, आप सभी लोग इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, भारतीय संघ में मणिपुर रियासत का विलय किस प्रकार संपन्न हुआ। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग देख लें इसको कि भारतीय संघ में मणिपुर रियासत का विलय किस प्रकार से संपन्न हुआ, यहाँ से देख लें। और अगला ये लिखा है, देख सकते हो, ये
इसे भी आप लोग याद कर ले पूरा। और उसके बाद में अगला ये लिखा है, भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता नीति अपनाने के 3 कारणों को लिखिए। तो यहाँ से आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे पूरा। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा ये लिखा है क्वेश्चन, आप लोग देख लें इसको। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, भारत की विदेश नीति के प्रमुख 4 सिद्धांतों को लिखिए। तो देखिएगा भारत की विदेश नीति के सिद्धांत क्या हैं, असंलग्नता और शांतिपूर्ण से अस्तित्व, और उसके बाद में बाहरी प्रभावों में स्वतंत्रता, और उसके बाद में सभी के साथ मित्रता। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें पूरा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये लिखा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य लिखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य क्या क्या है, बीमारी की रोकथाम करना, और उसके बाद में बीमारी का उपचार करना, और उसके बाद में सार्वजनिक सेवा में सक्रिय होना, ये आप लोग लिख लें, और स्वास्थ्य प्रशासन को सुधारने में मदद करना। तो ये इसके कार्य हो गए। अब इसके बाद में इधर आगे आते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन, दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लेंगे पूरा। एक पॉइंट ये लिखा है, दूसरा ये लिखा है, तीसरा ये लिखा है, और उसके बाद में देखिएगा यहाँ से आप लोग इसको देख लें, यूनिसेफ के कार्यों को समझाइए। यूनिसेफ के कार्य कौन कौन से हैं, बाल अधिकारों को संरक्षित करना, महिला एवं बाल स्वास्थ्य की देखभाल करना, और उसके बाद में पोषण अभियान चलाना, और उसके बाद में बाल कोष बनाना, और उसके बाद में बालकों के मूलभूत अधिकारों का संरक्षण करना। यानी कि यूनिसेफ जो है ना, एक तरह से बालकों के हित में काम करने वाली संस्था ही है। तो आप लोग इसे याद कर लें। और ये बाल कोष जो लिखा है ना, इसमें सा आपको ऐसा बनाना है, आप लोग ध्यान रखें। और उसके बाद में अगला, द्विराष्ट्र के सिद्धांत को समझाइए। द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या है, तो देखिएगा आधा उत्तर तो ये लिखा आपका यहाँ पर, और उसके बाद में बाकी का उत्तर ये दिया गया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी मैंने 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 4 अंक वाले वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन बता दिए हैं। तो आप सबसे पहले इनको ज़रूर याद कर लें, और देखिएगा इनको आप सभी लोग अच्छे से याद कर लें, ये आपके पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।